चलिए जी, सो ये वाली रिकर्सिव स्टेप जो है इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि जिस अननोन को फाइंड करने जा रहे हैं टी ऑफ एन को, वही अननोन दोबारा अकर कर रहा है सो कॉल्ड सॉल्यूशन में, बट ऑन ए स्मॉलर स्केल एन बाई टू। ठीक है, सो इसको हम रिपीटेडली सॉल्व करते हैं जैसे पहले भी किया था। अब ये देखिए यहाँ पे ओ ऑफ एन है, ये ओ ऑफ एन क्या चीज़ है, ये पिछले लेक्चर के एंड में भी बताया था जब ये इक्वेशन बिल्ड कर रहे थे। ये दो रिकर्सिव फंक्शंस कॉल्ड हैं टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू। ठीक है, बाकी ये जो काम है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। सो रिकर्सिव कॉल के अलावा ड्राइवर प्रोग्राम जो होता है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन का, ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है, इसमें रिकर्सिव कॉल्स के अलावा जितनी भी कॉस्ट होती है वो वहाँ पे चली जाती है रिकर्सिव इक्वेशन के ये जो वाला पार्ट। ठीक है, सो ये सी वन जो है ये और सी जो है ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सी तो इसमें है ही कोई नहीं है, इसमें सिर्फ सी वन सी आ जाएगा बाद में। इसको जैसे ऊपर हमने किया था बाई डेफिनेशन इट इज सी ऑफ जी ऑफ एन, सो जी ऑफ एन इज एन, तो सी ये आ गया, इसलिए यहाँ पे सी लिखा हुआ था। ठीक है जी, जो मैंने मिटाया है वो ऊपर की वजह से नहीं था, ये नीचे की तरफ वजह से था। लेट मी ब्रिंग इट डाउन जी। Even as positive constants. So using equation 1 repeatedly, this equation 1 repeatedly, ये 2 तो constant है, Tn over 2 के नीचे को मैंने underline किया है कि जब तक इसकी वैल्यू मालूम नहीं होगी इसकी वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू कैसे मालूम होगी, व्हाट इज टी एन ओ बाई टू, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन बाई टू रख दो, तो ये बन जाएगा टी एन बाई टू इज इक्वल टू टू टी एन बाई फोर प्लस सी एन बाई टू। सो ये टी एन बाई टू जो है वो बन जाएगा टू टी एन बाई फोर प्लस सी एन बाई टू। इसको उठा के इस इक्वेशन में इसकी जगह रख देना, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा हुआ, इसको निकाल देते हैं। सो टी एन बाई टू इज रिप्लेस बाई और सब्सटीट्यूटेड बाई, ये स्क्वेयर ब्रैकेट में है, टू टी एन बाई फोर, एन बाई फोर को टू रेस्ट पावर टू लिख दिया है, प्लस सी एन बाई टू ब्रैकेट क्लोज, और ये सी एन जो है ये वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई किया, टू इंटू टू टू रेस्ट द पावर टू, टी एन ओवर फोर प्लस ये 2 जब सी एन बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो खाली सी एन रह जाएगा और ये सी एन वैसे का वैसे। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है इट टेक्स अस टू दिस पोजीशन, 2 स्क्वायर टी एन ओवर 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 सी एन। अब ये टी एन ओवर 4 या टी एन ओवर 2 रेज़ टू पावर 2 इसे कैसे सॉल्व करें जी, वही इस इक्वेशन में n की जगह n ओवर 2 रेस टू द पावर 2 रख दो, तो यहाँ पे n की जगह n ओवर 4 रखेंगे, यहाँ पे n ओवर 4 रखेंगे, तो ये 2t n ओवर 8 हो जाएगा प्लस 2n बाई 4। सो 2t n बाई 4 प्लस n बाई 8 प्लस सी एन बाई फोर, ये जो है ये वैल्यू आती है टी एन बाई फोर। सो यहाँ पे इसकी जगह वो रख देते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में
टू टी एन बाई फोर, जब एन की जगह एन बाई फोर रखा तो ये एन बाई एट आ गया था, एन बाई एट को टू रेज़ टू पावर थ्री करके लिखा हुआ, प्लस सी एन बाई फोर, एन बाई फोर को एन ओवर टू स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर ब्रैकेट में जो कुछ है वो नतीजा है इस इक्वेशन में एन की जगह एन बाई फोर रखने का, बाकी ये टू सी एन वैसे का वैसे आ गया, ये टू स्क्वेयर वैसे का वैसे आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, टू रेज टू द पावर थ्री टी ऑफ एन ओवर टू रेज टू द पावर थ्री प्लस सी एन प्लस टू सी एन, तो ये थ्री सी एन हो गया। ठीक है, सो अब हम जैसे पहले करते हैं इसको के तक ले जाएं। अब यहाँ से ये देखें, इस टू की जो पावर है वो डिवाइड की भी वही पावर है, और वो जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री है तो टू रेज टू द पावर थ्री, थ्री यहाँ पे भी था, थ्री यहाँ पे भी था, तो जब इसे के तक लेके गए हैं तो टू रेज टू द पावर के एन ओवर टू रेज टू द पावर के प्लस के सी एन, यहाँ यहाँ पे तीन था यहाँ पे के आ गया, सी एन वैसे का वैसे आ गया। अब एज्यूमिंग एन टू बी एग्जैक्ट पावर ऑफ टू फॉर सिंप्लिसिटी सेक्स, लेट एन ओवर टू के इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, that n over 2k is equal to 1, इसका मतलब है ये 2k अगर इधर ले जाएं, n is equal to 2k, अगर दोनों साइडों पे log 2 the base 2 ले लें तो k जो है वो log 2 n आ जाता है, ये log 2 n जो है बेसिकली ये base 2 है जी। ठीक है, सो अब एन ओवर टू के वन था, यहाँ पे एन ओवर टू के वन रख दिया, टू रेज टू द पावर के एन था, ये टू रेज टू द पावर के की जगह यहाँ पे एन आ गया। ठीक है जी, प्लस के सी एन, के जो है वो लॉग ऑफ एन है, तो ये अब सी एन वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाई के की जगह ये लॉग एन लिख दिया, तो ये लॉग एन आ गया। तो सी वन इज कॉन्स्टेंट, सी इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट अगर छोड़ दें तो बाकी जो बचता है जी ऑफ एन बचता है, ये इग्नोर हो जाती हैं टर्में, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किया था, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन आर। तो ये एल्गोरिदम जो है बाकी तीनों एल्गोरिदम से फास्ट है वर्स्ट केस में, और लॉग एन जो है वो अच्छा खासा जो है वो छोटी वैल्यू होती है। इस तरीके को जो हम कर रहे हैं और जो पहले भी दो लेक्चर या तीन लेक्चर पहले भी किया है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं फिर ये चीज़ इक्वेशन आ जाती है, फिर इसकी टी एन बाई टू स्क्वेयर की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, इसके कई नाम हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, कुछ इसे प्लग एंड प्ले कहते हैं, कोई चग एंड प्ले कहते हैं, कोई सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं, और कोई किताब में सब्सटीट्यूशन मेथड जो है किसी और के लिए यूज़ करता है, यानी इस स्कीम के लिए वो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करता, वो सब्सटीट्यूशन मेथड किसी और के लिए यूज़ करता है। ठीक है जी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम इस कोर्स में यहाँ पे इसे सब्सटीट्यूशन मेथड कहेंगे जो आपके सामने हमने किया, तीन चार एग्जांपल आप कर लेंगे। ठीक है जी, नाउ हाउ फास्ट इज दिस एन लॉग एन सर? जी सर, हम k की वैल्यू तो वो रखते थे जिसमें हमारा जो वो टर्म थी वो जीरो हो जाती थी, ताकि फिर हम उसमें c1 को इंक्लूड कर दें, तो हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया? इसलिए कि हमारा यहाँ पे बेसिस स्टेप 1 है। ठीक ठीक, जो बेसिस स्टेप होता है वो होता है, और नंबर दो बात, अगर डिवीजन है तो किससे कौन से नंबर से डिवाइड करें तो जीरो आता है, ये बताओ। सेट से वन ओवर क्या रखें कि जवाब जीरो आ जाए? वन से बड़ा, वन ओवर टू रखें तो जवाब जीरो आ जाएगा, इंटीजर में लेंगे तो जीरो आ जाएगा।
अगर अगर इन टीए में ना लें तो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर कब जीरो कब आएगा? है भाई इन्फिनिटी इसका आइडिया नहीं है सर। हाँ ठीक है ना, तो वो जीरो बेटा उस वक्त लेते हैं जब माइनस वगैरह हो, ठीक है, एन माइनस वन एन माइनस टू वो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जीरो आ जाता है, लेकिन जहाँ पे डिवीजन होती है नॉर्मली वहाँ पे बेसिस स्टेप जो है वो वन लिया जाता है या टू लिया जाता है, समथिंग लाइक दैट, जीरो नहीं लिया जाता क्योंकि जीरो के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसे इन्फिनिटी होना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि एग्जैक्ट पावर ऑफ टू लिया गया यहाँ पे, ठीक है, अगर एग्जैक्ट पावर ऑफ टू ना लिया जाए तो वो पॉइंट में जवाब आता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये एन लॉग एन, अब मैं कह रहा था कि ये एन लॉग एन जो है ये अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है, आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये एन लॉग एन जो होता है ये अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू ओ एन स्क्वेयर। के लिए कर रहा हूँ उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा। इफ एन इज इक्वल टू 10^6 मिलियन, ठीक है ना, आजकल तो मिलियन कोई बात नहीं है, इजीली मिलियन हो जाता है, ठीक है जी, आपका गूगल जो सर्च करने जाता है जो डॉक्यूमेंट्स के बीच में जो होते हैं करेक्टर्स अगर उनको देखें तो इजीली 1 मिलियन से ज़्यादा करेक्टर्स को वो सर्च करके आपको जवाब देता है, ठीक है ना, मिलियंस तो शायद मिलियन से ज़्यादा तो शायद डॉक्यूमेंट ही बन जाते होंगे। तो एन स्क्वेयर क्या होगा? एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 10^ क्या हो जाएगा? अगर एन 10^ से करे तो एन स्क्वेयर क्या होगा? ओ एन स्क्वेयर क्या होगा? 12 हो जाएगा, 10^12। एन बिल्कुल 12 हो जाएगा, ठीक है, तो बिग ऑफ एन स्क्वेयर ये हो जाएगा, ठीक है, लेट्स लुक एट एन लॉग एन, एन लॉग एन इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 10^6 इंटू लॉग ऑफ 10^6, कैलकुलेशन करो लॉग 10^6 कितना होगा, बेस 2 है, सर 19.9। 20 कर लेते हैं ना, 20 ठीक है ना, सो ये जवाब आ रहा है 20 × 10^6, देखा है कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ह्यूज इंप्रूवमेंट, और ये किस वजह से हुई है? ये इस वजह से हुई है कि हर दफा प्रॉब्लम साइज को आधा किया गया है, यानी दो हाफ में आधा इधर आधा इधर, डिस्कार्ड कुछ नहीं किया गया। अगर पिछला लेक्चर में किधर ये किया था, ये देखो डिस्कार्ड कुछ नहीं किया, आधा इधर किया, आधा का जवाब ढूंढा, आधा इधर से जवाब ढूंढा, इसका फिर आधा इधर से जवाब ढूंढा, 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 तो इतनी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है, यस सर। चलिए
अब इसको एक और तरह से भी देखते हैं, रेकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, ट्री बना के। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे नजर आ रहा है, रेकरेंस ट्री मेथड, ये आज पहली दफा कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन मर्ज सॉर्ट की रेकरेंस इक्वेशन है, इसी को आप दूसरे तरीके रेकरेंस ट्री मेथड के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर बिग ऑफ एन लिखा हुआ था, यहां आप सी एन लिख दिया, क्योंकि बाद में भी जाके सी एन लिखा था, इसलिए अब यहां पे सीधा सीधा सी एन लिखे। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ये ऊपर जो था ये भी इसी इक्वेशन में सॉल्व किया था। मैं जरा ये वीडियो क्लोज करके दोबारा शुरू कर दूं, ये लंबी बहुत हो गई। चलो ये देखो, ये इस इक्वेशन में n by 2 रखा तो टी एन बाई टू टू टी एन बाई फोर प्लस सी एन स्क्वायर बाई फोर आना चाहिए यहाँ पे। ये जो n है ये वाला, इसकी जगह भी तो n by 2 रखना है, n by 2 होल स्क्वायर। वो कब की बात है? नहीं नहीं वो तो नहीं यार, जा ओके नो प्रॉब्लम। तो ये आना था बेटा, अब इसको जनाब साहब आप जो हैं वो सिंपलीफाई कर सकते। दिस विल बी सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे टू भी आना है, टी एन बाई टू टू टी एन बाई फोर प्लस सी एन स्क्वेयर बाई फोर, तो ये आया। अब इसको ओपन किया है तो ये बन गया टू रेज टू द पावर टू इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर टू एंड दिस इज पावर टू प्लस, ये टू इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये एन स्क्वेयर बाई फोर है, तो जब टू मल्टीप्लाइड बाई होगा तो ये टू सी एन स्क्वेयर ओवर टू रह जाएगा, प्लस टू सी एन स्क्वेयर ओवर टू। ये तो इसका आ गया और ये वाली टर्म जो आनी है एंड में वो वाली टर्म आनी है टू से लिखा जाए यार, कमाल ही हो गया। ये आना है, ठीक है जी, इसको आगे ले आते हैं। ये वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करना है, हाँ जी चलिए जी,
नहीं, अब इस इक्वेशन वन में ये रखेंगे तो ये चीज बन जाएगी। इक्वल टू 2 raised to the power 2, तो वैसे इसी को सारी को उठा लेते हैं। जगह ये आ जाएगा 2t3, 8 आ जाएगा ना, n की जगह n बाई 4 रखेंगे तो ये n बाई 8 हो जाएगा, तो ये n बाई 8 आ गया, ठीक है। प्लस c n बाई 4 होल स्क्वेयर, ठीक है भाई, एन की जगह एन बाई 4 रखना है ना, तो दिस विल बी सी एन बाई 4 होल स्क्वेयर। वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बाकी ये सी एन स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी एन स्क्वेयर ओवर सी एन स्क्वेयर, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये स्क्वेयर में ब्रैकेट में तुम्हें जो चीज नजर आ रही है वो एक्सपेंशन है टी एन ओवर 2 स्क्वेयर की। अब इसको सिंप्लीफाई किया, टू मल्टीप्लाइड बाई टू, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है वो इज वेरी टीडियस टाइम कंज्यूमिंग। कम 2 raised to power 3, अब ये 2 raised to the power 2 जब यहां पे आके 2 raised to the power 2 बनेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्चुअली ये 16 है और इधर से 4 आएगा, तो सी एन स्क्वेयर ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम ये बात समझ आ रही है ना, और ये कैसे हुआ ये समझ आ गया, यस सर। ये 4, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। अब इस 4 को हम जो है वो 2 raised to the power 2 कर देते हैं, लिख सकते हैं ना 4 को 2 raised to power 2। यस सर। ये 4 को 2 raised to the power 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो एक सीरीज बनती नजर आ रही है तुम्हें सर जी। लेकिन सर ये 4 के बाहर वो पहले भी तो स्क्वेयर है ना, तो उसको 4 स्क्वेयर नहीं लिखेंगे वो किसको बेटा, फिर से को यहां पे आओ, ये सर। 4 है, ये 4 है ना, जी सर। ये यहां से आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। तो ये अगर 4 स्क्वेयर जो है ये 16 होता है, तो जी सर, चार ठीक को है। जब 16 से करेंगे तो एंड डिनोमिनेटर 4 नहीं आएगा, 4 को 2 रिवर 2 लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अब ये देखो एक सीरीज बनती जा रही है और तुम्हें रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, इफ वी कंटिन्यू टिल के, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे के माइनस वन है, ठीक है ना, ये 3 है तो ये 2 है, 3 माइनस 1 2, फिर ये सॉरी ये नीचे सी एन स्क्वेयर ऊपर तो कॉमन है, ये 2 raised to the power जो है यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 raised to the power 0 है, तो ये एक किस्म की सीरीज बन रही है। तो अब हम जब इसे के तक एक्सटेंड करेंगे के, दिस विल बिकम के
this will become k minus 1. Remain 2. This will become k minus 1. This will become k minus 2. Become k minus 2. उसके बाद डॉट 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 और उसके बाद ये समझ आ गया बेटा कैसे किया मैंने? ये देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सीवर है. अगर हम k तक जाएंगे यहाँ पे k और यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे जो है k माइनस वन, फिर उससे k माइनस टू, k माइनस थ्री, फिर टू रेज पावर थ्री, टू रेज पावर टू, टू रेज पावर वन और टू रेज पावर सिक्स. ठीक है, समझ आ गया अब ये कैसे किया मैंने? यस सर. हाँ, अब आगे सी एन स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बेटा सीरीज बन गई है, वन प्लस हाफ प्लस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर एट प्लस वन ओवर सिक्सटीन प्लस वन ओवर थर्टी टू. ठीक है, और ये तुम लोग डिस्क्रीट में पढ़ आए हुए हो, ये सीरीज जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है. ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज. अच्छा, अब ज्योमेट्रिक सीरीज के तुम्हें याद है किसी को ज्योमेट्रिक सीरीज? नो सर. नो सर, तो जिंदाबाद. ओ ओ ये क्या है, ये बंद कराओ. ओए ये बंद करो, म्यूट करो. ओए क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है, घर जा. अपने आप को धोखा दे रहा है. This is geometric series. ये a plus ar plus ar square plus ar cube plus ar n minus 1. Geometric series की पहचान क्या है? किसी भी दो consecutive terms को अगर divide करें तो जवाब एक ही आता है. ar divided by ar. AR square divided by AR R, AR cube divided by AR square R. ठीक है जी, फैक्टर जो है वो कॉमन होता है. ये पहचान है ज्योमेट्रिक सीरीज की. ठीक है, यहां पे भी ज्योमेट्रिक सीरीज है. 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 R, 1 over 2 बनता है. 1 over 4 divided by 1 over 2, 1 over 2. 1 over 8 divided by 1 over 4, common factor is 1 over 2. अब इसका solution कैसे निकालते हैं? ये जो common factor है, इससे दोनों sides को equation की दोनों side को multiply कर दो. ये RS आ गया, ये ए ए आर बन गया, ये ए आर स्क्वायर हो गया, ये ए आर क्यूब आ गया,
ये ar n माइनस टू जो है ये ar n माइनस वन बन गया, और ये ar n माइनस वन जो है ये ar n बन गया। ठीक है जी, ये समझ आ गया ये क्या किया है? यस सर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, s माइनस आर एस करो या आर एस माइनस एस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आर एस माइनस एस किया हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है ये जो टर्म्स हैं इन सब के साथ माइनस आ गया है, माइनस 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 माइनस, ये माइनस ए आर है और ये प्लस ए आर है, आपस में कट गए। ये माइनस ए आर टू प्लस ए आर टू आपस में कट गए, माइनस ए आर थ्री प्लस ए आर थ्री आपस में कट गए, माइनस ए आर एन माइनस टू प्लस ए आर रेज टू द पावर एन माइनस टू, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो एक ये टर्म बच गई प्लस के साथ और एक ये टर्म बच गई माइनस के साथ, तो ये जवाब आ गया। इन दोनों में से एस कॉमन ले लो तो आर माइनस वन आ गया। अब एस एक तरफ कर दो और इसको उठा के नीचे ले जाओ, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, दैट इज फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज जी। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है, जब यही होगा वो तो नहीं होगा, इसको उठा के अगर यहाँ पे ले जाएं तो यहाँ पे आर क्या है जी, आर इज इक्वल टू क्या है भी, आर यहाँ पे दो कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करें तो क्या आता है, रेशो क्या आती है, सर 1/2। 1/2 इस इक्वेशन में। और ए क्या है इसमें, ए क्या है, वो पहली टर्म है जो अरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये वन है जो अरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बन गया। अब इस के को हम एन एज्यूम कर लेते हैं, कोई मसला है के को एन एज्यूम कर लें, जी सर। मसला है? नो सर। अच्छा, तो फिर हमने लिखना है ए इज वन आर रेज टू द पावर एन, ये देखो ये ए आर एन माइनस वन था, ये ए आर ये के माइनस वन है ना, यस सर। ये तो के माइनस वन अगर हो तो इक्वेशन जो है एक टर्म ज्यादा हो जाती है, तो दिस इज ए इज वन मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए, ए क्या है वन है जी सर। माइनस वन, सारे को ब्रैकेट में ले आते हैं, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, आर इज वन ओवर टू, वन ओवर टू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाई क्या आया अभी जवाब क्या आया, -1/2। माइनस वन। अच्छा, अब हम यहां पे एजम्पशन लेते हैं, जैसे एसिम्प्टोटिक में बेटा क्या एजम्पशन होती है, व्हेन एन अप्रोचेस इंफिनिटी
ठीक है ना, यस एसिम्प्टोटिक सर, की डेफिनेशन। तो यहां पे अगर के अप्रोचेज इन्फिनिटी तो न्यूमिरेटर क्या हो जाएगा? इफ के इज वेरी 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 लार्ज तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी? 1/2 के। सर ये इन्फिनिटी हो जाएगी अभी फिर। ओए 1/2 रेस टू द पावर वेरी नंबर, जीरो एग्जैक्टली इट विल अप्रोच जीरो। यस सर, बेटा 2 रेस टू द पावर के है ना, के ने बड़ा होना है, 1 ने तो बड़ा नहीं ना होना। यस सर, तो जब रेस टू द पावर जो के है, के जब बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो 1/2 के जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, और जब के बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जी सर, तो ये अगर जीरो हो जाए तो ऊपर न्यूमिनेटर -1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या है? -1/2। तो जवाब क्या आया? 2। तो इस सीरीज का सम जो है वो 2 आता है व्हेन के इज वेरी 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 लार्ज। ठीक है, अब इसको उठा के यहां पे रख दो। काम ये सारी चीज उड़ जाएगी। दिस विल बिकम 2c n स्क्वेयर। n/2 के ऊपर रिज्यूम किया था हमने, 1 होता है आ गया, बस यहीं तक था। अब इसको सॉल्व करना है तो अब यहाँ पे हम वो एग्जम्पशन लेते हैं जो पहले एग्जम्पशन जो है यहाँ पे ली थी, उसी को उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इधर गया, आई अच्छा ये इधर मत शॉर्ट में था। ये वाली चीज जो है ये उठा के उधर ले जाते हैं। एज्यूमिंग एन टू बी एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 फॉर सिंप्लिसिटी सेक, लेट n/2 k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k इज इक्वल टू दिस टी ऑफ n इज इक्वल टू, ये है 2 रेस्ट पावर k, 2 रेस्ट पावर k n के बराबर है n इंटू टी ऑफ n/2 k इज इक्वल टू 1, ये बेसिस स्टेप आ गया, प्लस 2 c n स्क्वेयर। चुके ये हमें पता है टी ऑफ 1 जो है वो c(1) है, सो n c(1) प्लस c n स्क्वेयर। लार्जेस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? n स्क्वेयर है। सो टी ऑफ एन एसिम्प्टोटिक में क्या आएगा? 2c जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये एन स्क्वेयर जो है ये जी ऑफ एन हो जाएगा, ये वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बन जाएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर। समझ आ गया ये? जी सर, बस अब एक बात जो तुम्हें समझ आई है वो ये आई है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर जो चीज आए उसे जमा करना शुरू कर दो। जी सर, सो ये सीरीज बनती हैं, कभी अरिथमेटिक सीरीज बनेंगी जो पहले हमने 2 लेक्चर पहले देखा था, यहाँ पे अब ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, तो बस ये ध्यान रखना। चलो भैया, वो रेकरेंस इक्वेशन वाला तो अब बाद में देखेंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना आज 3 बजे क्विज अच्छा टू का सर, शुरू। मिड जी, में एक सवाल तो आ जाएगा और बाकी ठीक बाकी जब आगे आके आ जाएंगे तब आगे आके बात करेंगे। ठीक है सर। है,
सो प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट आज भिजवाई है सुबह, वो करना और वो वेंसडे को भिजवाना, उससे प्रैक्टिस होगी। चलो भाई फिर, अल्लाह हाफिज। 12:21 हो गए हैं। क्वेश्चन है किसको, वो पूछ ले, बाकी जो हैं वो चले जाएं। और बाकी जिसने म्यूजिक सुनना हो तो जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ उसके बाद यहाँ से भी ये निकल जाया करो, अटेंडेंस हो गई है, उसके बाद जो दिल करता है उस करो, सुनो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।